हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप डैट कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे आपकी लाइफ में और आपके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक और नई कहानी को लेकर। दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें ना मेरी मम्मी खड़ी हुई है और ये पास में एक गाय माता खड़ी हुई है। दोस्तों, कहानी ये कि आज ये गाय माता आप देख रहे हैं, इसकी कहानी बड़ी अजीब है। दोस्तों, हुआ क्या है कि मैं और मेरी मम्मी एक बार मतलब मेरे मामाओं के यहाँ जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर ना मेरे मामा यहाँ हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो ये पर वहाँ पर ना दोस्तों, ये गाय अभी तो काफ़ी बड़ी हो गई है और उस समय ये गाय मतलब बछड़ी हुआ करती थी और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब ऐसी ख़राब थी कि अगर इसे हम लेकर नहीं आते तो शायद ये ज़िंदा नहीं रह पाती, ठीक है। तो पता है मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा दयावान हो, उनको बहुत ज़्यादा दया आती है। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमेशा 4-5 कुत्ते पड़े रहते हैं, उनको रोटी वोटी, बिल्ली रहती है हमारे 3-4, जबकि पाले एक भी नहीं रखा। तो दोस्तों, मेरी मम्मी उसे यहाँ लेकर आई है और दोस्तों आज देख रहे हो हमारे ये थोड़े दिन बाद में ये एक नए बछड़े या बछड़ी को जन्म देगी। दोस्तों, गाय का दूध हमारे जो शास्त्रों में बताया गया ना दोस्तों, वो आजकल की जो साइंटिफिक रिसर्च है उनमें भी बहुत हद तक ये कहा गया है कि अगर आप बच्चों को भैंस की जगह गाय का दूध पिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा इस बात बात और दोस्तों काफ़ी हद तक जो साइंटिफिक रिसर्च है इस समय वो ये बताती है कि अगर आप अपने बच्चों को या यानी कोई भी इंसान जो भैंस के बजाय अगर गाय का दूध पीता है तो उसमें ना हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बहुत ज़्यादा कम संभावना है। यानी कि गाय का दूध कहते हैं कि दोस्तों, जो अभी काफ़ी सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है उनमें कहा गया है कि गाय का दूध में जो होता है उसमें विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालमिन या के नाम से भी जाना जाता है, वो भैंस या दूसरे किसी भी जानवर के दूध की तुलना में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि B12 हमारे मस्तिष्क और हमारी याददाश्त और हमारी RBC और हमारे जेनेटिक जो द्रव होता है DNA RNA उसके लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो और दोस्तों, हमारे यहाँ पर ना आप एक वक्त था जब मतलब कि यहाँ पर लोग गाय का दूध लेना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वैसे होता क्या कि गाय का दूध होता है ना उसमें ना बहुत कम फैट्स होता है। लाइक मतलब भैंस के दूध में लगभग 6-7.5 ऐसे फैट आती है, लेकिन वही गाय का दूध 4-4.5 फैट वाला होता है।